हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल की जंगड़ा टेस्ट पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना होता है उसमें। आपको सबसे पहले आपको अपना चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपको अपना जो है टैक्स डॉक्यूमेंट फॉर्म, टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरना होता है। उसके बाद तब आपके $10 हो जाते हैं, तो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है। तब आपके नज़दीक की आपके गांव या शहर में आपका जो भी जहाँ पे आपका डाकघर है तो उसमें आपका एक पिन आता है, तो पिन को वेरीफाई करने के बाद आपको अपने जो एडसेंस अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट आपको ऐड करना होता है। लेकिन दोस्तों, बैंक अकाउंट ऐड करते हो उस टाइम आपको IFSC कोड वगैरह, अपने अकाउंट नंबर, जो भी आप बैंक का आपका जो अकाउंट नंबर है वो आप ऐड करना चाहते हो उसमें। लेकिन दोस्तों, उसमें एक SWIFT BIC नंबर भी पूछा जाता है। SWIFT BIC नंबर किस वजह से पूछा जाता है? क्योंकि दोस्तों, आपकी अंतर्राष्ट्रीय जहाज से भी जो भी अर्निंग होती है तो आपको अंतर्राष्ट्रीय जो भी अर्निंग हो रही है तो उसमें आपको SWIFT BIC नंबर आपको चाहिए होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अपने ही देश से कोई भी अगर पैसा लेना है तो आपको कोई SWIFT BIC नंबर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय कोई भी, जैसे कि अब यूट्यूब है, सोशल मीडिया, कहीं से भी आपको अगर कोई भी देश से अगर पैसे आ रहे हैं तो आपको सिर्फ बैंक SWIFT BIC नंबर जो है उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। SWIFT BIC नंबर आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हो, आपको तीन तरीके बताऊंगा जहां से आप SWIFT BIC नंबर ले सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका यह है SWIFT BIC नंबर लेने के लिए, आपको जहाँ पे आपका अकाउंट है तो वहाँ से आप जाके बैंक में जाके आप अपना SWIFT BIC नंबर आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। वहाँ से उनसे पूछ सकते हो और वो आप अपने सिर्फ जो BIC नंबर है वो आप SWIFT BIC नंबर का जो ऑप्शन होता है जब आप अपना अकाउंट ऐड करोगे उसमें आप डाल सकते हो। लेकिन दोस्तों, अब सेकंड तरीका ये बताऊंगा कि आपको अपने बैंक अकाउंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो SWIFT BIC नंबर है वो आपको इंटरनेट पर ही मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, एक बार मैं अपने इंटरनेट पर आपको फ़ोन स्क्रीन पर लेके चलता हूँ जहाँ से आपको बताऊँगा कि आप SWIFT BIC नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है SWIFT कोड फाइंडर लिख के आपको सर्च करना है। फर्स्ट पे आपको ये मिलेगा लिखा SWIFT कोड सर्च एंड फाइंडर टूल, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट वगैरह सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं और आपका यहाँ पे अपनी कंट्री चूज कर लेने, तो मैं अपनी कंट्री इंडिया चूज कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों, सेकंड ऑप्शन पे आपको अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे अपना पंजाब नेशनल बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको थर्ड ऑप्शन यह देखने को मिलेगा, इसमें आपको ये दिखा देगा कि आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका जो SWIFT BIC कोड है वो अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पे अपना जो आपका डिस्ट्रिक्ट ना दिखे या आपके आसपास का कोई भी डिस्ट्रिक्ट दिखे आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे अपना जो मेरा नज़दीक का जो डिस्ट्रिक्ट है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा नज़दीक जो डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी के पास में गुड़गांव है, और रेवाड़ी का मेरा डिस्ट्रिक्ट इसमें दिखा नहीं रहा है स्विफ्ट कोड के लिए, तो गुड़गांव मेरा दिखा रहा है। और मेरे स्टेट हरियाणा के यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिखा रहा है, फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल और इस तरह से कुछ 5 डिस्ट्रिक्ट दिखा रहे हैं। तो मेरा नज़दीक जो है गुड़गांव है, या फिर आप और भी दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे पानीपत वगैरह भी इसमें दिखा रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपके स्टेट में कोई डिस्ट्रिक्ट आपके नज़दीक जो आपका डिस्ट्रिक्ट उसको वो नहीं दिखा रहा है, उसके जो नज़दीक के जो डिस्ट्रिक्ट है वो दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अपना यहाँ पे गुड़गांव सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको फोर्थ जो ऑप्शन है इसमें आपको SWIFT कोड यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे करवा देगा। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे गुड़गांव के 3 SWIFT कोड यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो इनमें से हम कोई भी एक SWIFT कोड यूज कर सकते हैं। और आप अपने वहाँ पे SWIFT कोड जो आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हो तो बैंक अकाउंट के वहाँ पे SWIFT कोड जो ऑप्शन है उसमें आप ये कोड को आप यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्ट करके और इसे आप कॉपी करके अपने जो वहाँ पे जो SWIFT कोड का ऑप्शन आ रहा है बैंक अकाउंट के पास वहाँ पे आप यहाँ पे इसे कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। या फिर आपका गुड़गांव या अगर दूसरा डिस्ट्रिक्ट आप लेना चाहो, आपका जो नज़दीक और एक और डिस्ट्रिक्ट हो तो आप वो भी ले सकते हो। या फिर ज़रूरी नहीं कि आपके हरियाणा में, अगर जैसे कि मेरा जो हरियाणा स्टेट है उसमें अगर मेरा गुड़गांव ही नज़दीक है, या फिर अगर मेरा थोड़ा दूर भी होगा या फरीदाबाद है या अलग है, तो हम उसका भी एक SWIFT कोड अपने यूज़ कर सकते हैं अपने अकाउंट के लिए। तो दोस्तों, आपने देख लिया होगा कि आप इंटरनेट के थ्रू आप SWIFT BIC नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हो अपने अकाउंट के। और दोस्तों, आपको कहीं जैसे कि आपका कोई भी स्टेट है, अगर आपका आपके स्टेट में सिर्फ 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट में ही अवेलेबल है, आप वे भी दे सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट का नहीं है कोई भी SWIFT BIC नंबर, आप अपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट का दे सकते हो आपके स्टेट में ही।
अब दोस्तों तीसरा जो स्टेप है, तीसरा जो स्टेप उसमें बताऊंगा आप BIC नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों आपको अपने कस्टमर में नंबर आपको मिलाने होंगे, अगर आपका जो भी अकाउंट है उसके कस्टमर केयर नंबर होते हैं उसमें, तो उसमें आपको फ़ोन करना है। और जब आप फ़ोन करोगे तो फ़ोन करने के बाद आपको वो भी बता देगा कि सिर्फ BIC नंबर वो आपको ऐसे जो जैसे कि आपने इंटरनेट पर अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि जो सिर्फ BIC नंबर है आपके स्टेट में 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही कुछ सिलेक्ट होते होते हैं, तो उन सभी में अगर जो भी डिस्ट्रिक्ट पे आप क्लिक करोगे तो उनमें भी जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट का नहीं आ रहा तो आपके जो नज़दीक का जो डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें ही आपको सिर्फ BIC नंबर आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसमें 2-2 या 3-3 सिर्फ BIC नंबर होते हैं, तो आप उनमें कोई भी नंबर अपना लगा सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों ये तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि सिर्फ BIC नंबर आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।